लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम इंटरिम बजट 2024-25 का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बजट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लेट अस लर्न टुगेदर। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है। सो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स, जिसे हम इनकम भी बोलते हैं, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर विच बिगेन्स ऑन अप्रैल 1 एंड एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अगर हम 2024-25 के बजट की बात करें तो ये स्टार्ट होगा 1st अप्रैल 2024 से एंड एंड होगा ऑन 31st ऑफ मार्च 2025। अगर हम हिंदी में देखें तो बजट एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित आय, सो गवर्नमेंट को कितनी इनकम हो रही है और गवर्नमेंट का क्या क्या खर्च है, एक्सपेंडिचर, जैसे कि गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्च करती है, सैलरीज पे खर्च करती है, वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेंशन एंड ऑल दैट, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड अगले वर्ष 31st मार्च को समाप्त होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का मेंशन नहीं है, बजट टर्म का मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को रेफर किया गया है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैज बीन डेल्ट विद इन आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। इन अदर वर्ड्स, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये हमें ध्यान से याद रखना है कि संविधान में बजट एज अ टर्म, बजट एज अ टर्म का मेंशन नहीं है, बजट को एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। अब हम देखते हैं यूनियन बजट और इंटरिम बजट में क्या फर्क होता है। सो द यूनियन बजट इज द गवर्नमेंट्स कंप्लीट ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटलाइनिंग इट्स रिसीप्ट्स आय एंड एक्सपेंडिचर खर्च फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। इट इज प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 112 एस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें, जैसे कि 2023, 2022, 2021 एंड 2020, तो ये नॉर्मल ईयर्स थे फॉर दिस लोकसभा, क्योंकि इसमें इलेक्शंस नहीं थे। तो उसमें क्या होता है, 31 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे एंड 1 फरवरी को आता है यूनियन बजट विद मेगा स्कीम्स एंड अनाउंसमेंट्स। बट इंटरिम बजट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है फ्यू मंथ्स प्रायर टू द जनरल इलेक्शंस लाइक 2024। सो 2024 एक इलेक्शन ईयर है, तो इसमें इंटरिम बजट आया दैट इज प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। सो दिस इज अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कि इंटरिम बजट ही आना चाहिए, बट बहुत सालों से ये चला जाता है कि इंटरिम बजट आएगा इन अ इलेक्शन ईयर। सो प्री इलेक्शंस, अगर हम इस साल की बात करें, 1 फेब को इंटरिम बजट आया। सो इस बार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया और इंटरिम बजट आया ऑन 1 फरवरी विद नो मेगा स्कीम्स एंड अनाउंसमेंट। एंड पोस्ट इलेक्शंस, जब नई गवर्नमेंट आएगी तो इलेक्शंस होंगे मार्च से मई में, एंड अराउंड जुलाई इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा एंड यूनियन बजट भी आएगा। तो इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हमें अच्छे से याद रखना है कि जो यूनियन बजट होता है वो नॉन इलेक्शन ईयर, जो नॉर्मल ईयर में आता है, 31 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे एंड 1 फेब को आता है यूनियन बजट विद मेगा स्कीम्स एंड अनाउंसमेंट्स। एंड इंटरिम बजट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान है जो कि इलेक्शन ईयर में आता है, जो कि अभी 2024 में इलेक्शंस हैं फ्रॉम मार्च टू मई, और इसमें कोई भी इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता एंड दिस इज इंटरिम इन नेचर। सो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द वोट ऑन अकाउंट, जो कि प्रेजेंट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 116। अब हम इसमें देखते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में देखा यूनियन बजट और इंटरिम बजट में डिफरेंस। सो नॉर्मल ईयर में यूनियन बजट आता है, नॉर्मल ईयर में यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 1 फरवरी, 31 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे, 1 फरवरी को आता है बजट, और फिर बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन होती है फॉर 3 to 4 days। उसके बाद पार्लियामेंट को एडजर्न किया जाता है फॉर 3 to 4 weeks, एंड इन 3 to 4 weeks में जो 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज होती है पार्लियामेंट की, वो इसको स्क्रूटिनाइज करती हैं, इस बजट को
स्क्रूटनाइज करती है और फिर से मिलते हैं मार्च में, और फिर मार्च में फिर पार्लियामेंट की सीटिंग होती है जहां पे वोट होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स इन दी लोकसभा, और उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और फाइनेंस बिल पास होता है। सो दिस इज द प्रोसेस इन अ नॉर्मल ईयर, जो कि 1 फेब से लेके मार्च एंड तक चलता है। बट इलेक्शन ईयर में 1 फेब को बजट अनाउंस होता है और उसके बाद 3 to 4 days के लिए जनरल डिस्कशन होती है, बट उसके बाद पार्लियामेंट को एडजर्न किया जाता है साइन एंड आई, बिकॉज इलेक्शंस होते हैं मार्च टू मई में। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, वोट होती है, पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल होता है एंड पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल होता है, बट इलेक्शन ईयर में सिर्फ 3 to 4 days के लिए बजट पे डिस्कशन होती है और उसके बाद इलेक्शन आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए वोट ऑन अकाउंट करना पड़ता है। सो इट अलाउज द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंसेस इन द शॉर्ट पीरियड लीडिंग अप टू द इलेक्शंस। इट इज लाइक अ ग्रांट इन एडवांस अंटिल द वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो इलेक्शन ईयर में इंटरिम बजट पे वोट नहीं हो पाता, बिकॉज मार्च में तो इलेक्शन आ जाते हैं, तो ये वोटिंग वाला प्रोसेस, ये तीन प्रोसेस खत्म हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट से परमिशन लेके ग्रांट इन एडवांस लेना पड़ता है ताकि इलेक्शन तक जो भी पीरियड है मार्च टू मई उसके लिए एक्सपेंसिस मीट किया जाए। सो इट कंटेन्स ओनली द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, वेर एज इंटरिम बजट डील्स विद बोथ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। सो वोट इन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरिम बजट। तो वोट इन अकाउंट इंटरिम बजट का पार्ट होता है ताकि जो मार्च से मई के जो भी खर्च हैं उसको मीट किया जा सके, उन एक्सपेंसेस को, क्योंकि मार्च टू मई में तो इलेक्शंस होते हैं और वोटिंग तो हो नहीं सकता पार्लियामेंट में, तो वोट ऑन अकाउंट लिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 116। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना है। तो इस साल इंटरिम बजट 2024-25 का मंत्र है विकसित भारत बाय 2047 विद ऑल राउंड ऑल परवेसिव एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दैट इज सबका साथ एंड सबका विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑल ऑफ ऑल, सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, एंड दैट इज डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 और विकसित भारत। अब हम बजट को सेक्टर वाइज एनालाइज करेंगे। सो फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज द बैकबोन ऑफ आर कंट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आएगी आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें, सो इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, ऑलमोस्ट 60% इंपोर्ट होता है हमारी कंट्री में एडिबल ऑयल्स का। जो भी हमारी जरूरतें हैं उसका 60% हम इंपोर्ट करते हैं। सो देर इज अ नीड टू स्ट्रेटेजाइज फॉर आत्मनिर्भरता, दैट इज सेल्फ रिलायंस इन ऑयल सीड्स, कवरिंग रिसर्च, प्रोक्योरमेंट, वैल्यूडेशन एंड क्रॉप इंश्योरेंस, ताकि हम ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ रिलायंस। तो उसके लिए ये अभियान शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेयरी सेक्टर। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, और इंडिया का शेयर है 24% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। ग्लोबली जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 24% इंडिया में होता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसे कि कॉपरेटिव्स हो गया, अमूल, वेरका, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इनका शेयर बहुत ही कम है और ज्यादातर मिल्क इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्लटर्ड है। तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाया जाएगा फॉर डेयरी सेक्टर। देन देर इज अ नीड टू रिवैम्प द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर फिशरी सेक्टर, एंड एक नया डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा, दैट इज मत्स्य संपदा, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ फिशरमैन। देन देर इज अ नीड टू इम्प्लीमेंट नैनो डैप, दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्री इनपुट है डेवलप्ड बाय इफको, एंड इट इज मोर एफिशिएंट देन नॉर्मल यूरिया। तो हम एग्रीकल्चर में नॉर्मल यूरिया यूज करते हैं बिकॉज वहां से हमें मिलता है नाइट्रोजन, बट नैनो डैप नॉर्मल यूरिया से ज्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए इट हेल्प्स इन करेक्टिंग द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसीज इन स्टैंडिंग क्रॉप्स। एंड लास्ट इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू कॉम्बैट फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज है, हाईली कंटेजियस
वायरल डिसीज जो कि काउस, पिग्स एंड शीप्स को अफेक्ट करती है. सो देर इज अ नीड टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू कॉम्बैट फूट एंड माउथ डिजीज. नेक्स्ट सेक्टर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. सो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स. अगर हम विंड प्रोजेक्ट्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द एनर्जी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर ऑनशोर. ज्यादातर ऑनशोर प्रोजेक्ट्स हैं ऑन लैंड जो कि इकोनॉमिकली वायबल भी हैं एंड फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं. बट गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स. बट ये प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल तो हैं बट फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है. ऑफशोर प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग देगा प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज ग्रांट्स. ग्रांट प्रोवाइड करेगा ताकि ये फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सके एंड इकोनॉमिकली वायबल तो ये है ही. नेक्स्ट इज 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स. गवर्नमेंट प्लान्स टू सब्सिडाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 मिलियन अफोर्डेबल हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज. तो हम पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चल रही है. सो दिस इज द स्कीम फॉर रूरल एरियाज, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. सो गवर्नमेंट इज फर्दर प्लानिंग टू सब्सिडाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेस. नेक्स्ट इज हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम. मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जाएगी टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय बिल्ड देयर ओन हाउसेस. तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज द हेल्थ सेक्टर. सो गवर्नमेंट इज टारगेटिंग वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर फॉर गर्ल्स एज 9 to 14 ईयर्स. तो ये भी याद रखना है कि कौन से एज गर्ल्स है 9 to 14 ईयर्स. तो सर्वाइकल कैंसर डेवलप करता है इन अ वुमेन्स सर्विक्स. इट इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर ग्लोबली एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन अमंग वुमेन इन इंडिया. सो अब हम देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इसको प्रिवेंट करना सर्वाइकल कैंसर को, बिकॉज इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन अमंग वुमेन इन इंडिया एंड 99% केसेस इसके लिंक्ड है विद इन्फेक्शन विद हाई रिस्क HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक्सट्रीमली कॉमन वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिट कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होता है. सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होता है ये वायरस. नेक्स्ट इज द यूविन पोर्टल फॉर इम्यूनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ मिशन इंद्रधनुष टू बी रोल्ड आउट. इसको हम नेक्स्ट लाइन में डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम टू इंक्लूड ऑल आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स एंड हेल्पर्स. अगर हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 1985 में टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन विद वैक्सीन लाइक पोलियो. बट इस प्रोग्राम में कुछ बच्चों तक ये वैक्सीन नहीं पहुंच पाई. सो गवर्नमेंट ने एक टारगेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज मिशन इंद्रधनुष, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू फ्यूली इम्यूनाइज मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन हु आर आइदर अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. तो इसमें 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस के लिए वैक्सीनेट किया जाता है. तो ये भी याद रखना है, टोटल 12 डिसीजेस के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, जैसे डायपथेरिया, वूफिंग कप, टेटेनस पोलस पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस. डायपथेरिया, वूफिंग कप, टेटनस, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस. तो गवर्नमेंट अब एक पोर्टल प्लान कर रही है, दैट इज यूविन पोर्टल, जो कि यूज किया जाएगा टू रजिस्टर एंड वैक्सीनेट एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू बॉर्न डिलीवरी, एडमिनिस्टर बर्थ डोसेज एंड ऑल वैक्सीनेशन इवन देयर आफ्टर. जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे देखा था कोविन पोर्टल बना था, कोविड पे टाइम पे ये कोविन पोर्टल बना था जिसमें कोविड की हर वैक्सीनेशन को रिकॉर्ड किया जाता था और वैक्सीनेट किया जाता था लोगों को. तो उसी तरह से यूविन पोर्टल आएगा, जो भी मिशन इंद्रधनुष के अंडर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन दी जाती है उसका सबका ये रिकॉर्ड रखेगा, यूविन पोर्टल. तो इसको हमें ध्यान में रखना है. नेक्स्ट इज द आयुष्मान भारत स्कीम, दैट इज PM जन आरोग्य योजना. सो इट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू पुअर एंड vulnerable sections of society by ensuring access to quality healthcare services and reduce out of the pocket expenditures. तो ये स्कीम में 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है पर फैमिली
पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। तो नाउ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये स्कीम एक्सटेंड की जाएगी टू आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर वुमेन। देर इज अ अनाउंसमेंट दैट इज 1 करोड़ वुमेन को असिस्ट किया जाएगा बाय 83 लाख SHGs टू बिकम लखपति दीदीज। सो लखपति दीदी स्कीम है टू फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन वेरियस स्किल्स जैसे कि प्लम्बिंग, LED बल्ब मेकिंग, ड्रोन ऑपरेशन, रिपेयर, टेलरिंग एंड वीविंग एंड इनेबलिंग दैम टू जनरेट अ सस्टेनेबल एनुअल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज द टूरिज्म। इसमें आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर को डेवलप किया जाएगा और एक फ्रेमवर्क लाया जाएगा जिसमें टूरिस्ट सेंटर को रेट किया जाएगा, फ्रेमवर्क फॉर रेटिंग ऑफ टूरिस्ट सेंटर्स। नेक्स्ट इज द रेलवे सेक्टर। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को कन्वर्ट किया जाएगा टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। वंदे भारत ट्रेन बहुत जगह चल रही हैं, दिल्ली कटरा, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली जयपुर, तो बाकी जो नॉर्मल रेल बोगीज हैं उनको भी वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा फॉर इनहेंस्ड सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड पैसेंजर कम्फर्ट। एंड देर आर 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स प्रोग्राम जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट इज द एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स एंड हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। तो ये 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम प्लान किए गए हैं। एंड लास्ट इज द प्रमोशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वाया मेट्रो रेल एंड नमो भारत ट्रेन। अगर हम मेट्रो रेल की बात करें सो दिस इज दिल्ली मेट्रो और एज ऑफ नाउ 15 इंडियन सिटीज में एक्टिव मेट्रो रेल सर्विस है जैसे कि दिल्ली, पुणे, कोलकाता, जयपुर। एंड बजट में अनाउंस किया गया है कि इसको और सिटीज में एक्सपैंड किया जाएगा मेट्रो नेटवर्क को। अगर नमो भारत की बात करें, नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन ये इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और इसके फर्स्ट फेज को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया था, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का 17 किलोमीटर का स्ट्रेच प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था रिसेंटली। एंड बजट में ये अनाउंस किया गया कि नमो भारत जैसी और ट्रेन लाई जाएंगी सिटीज में, और सिटीज में नमो भारत जैसी ट्रेन को एक्सपैंड किया जाएगा इसके नेटवर्क को। लास्ट सेक्टर फॉर टुडे सेशन इज क्लीन एनर्जी। इट टुवर्ड्स मीटिंग द कमिटमेंट टू नेट जीरो बाय 2070। नेट जीरो बाय 2070। तो नेट जीरो का मतलब होता है जितनी एमिशंस हम एमिट कर रहे हैं उतनी ही हम रीअब्सॉर्ब करें। नेक्स्ट इज द रूफ टॉप सोलराइजेशन। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल बी इनेबल्ड टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन टन्स बाय 2030। एंड द लास्ट इज स्ट्रेंथनिंग ई व्हीकल इकोसिस्टम। जैसे कि फेम स्कीम है तो इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग। So that is it for this budget session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Iski PPT ka link aapko description mein mil jayega. Thank you and best wishes for exams. Jai Hind, Jai Bharat.